राजनीति करते हैं ना, उनसे भी गंदा राजनीति कोई कर रहा है। पूरा पूरी दोषी आप नीतीश कुमार को मानते हैं? एकदम मानते हैं। जिस दिन अंसारी महापंचायत जाग गया, पूरी जनता अगर जाग गई, वो दिन जैसे कि न लंटेन होगा न तीर होगा बीच में। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का बोलता स्वर न्यूज में। फिलहाल मैं मौजूद हूँ पटना के गांधी मैदान के समीप IMA हॉल के पास, जहाँ पे अंसारी महापंचायत द्वारा आरक्षण बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और सिवान से खुद चलकर चेयरमैन प्रत्याशी इमाम जाकिर जी यहाँ पर आए हुए एवं उनकी टीम, जो कि खुद इमाम जाकिर अंसारी महापंचायत के जिला अध्यक्ष है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपको पटना की धरती पे। आपको भी स्वागत है पटना की धरती पे। जाकिर जी, किस चीज़ का ये सम्मेलन था यहाँ पे? सर ये सम्मेलन था अंसारी महापंचायत के तरफ से, जो चुनाव का आरक्षण जो था उसी का सम्मेलन। तो जैसे कि जाकिर जी, मेरा ये सवाल रहेगा कि लगभग 28 जिलों से, बिहार के 28 जिलों से लोग यहाँ पे आए हुए थे इस कार्यक्रम, इस आयोजन में शामिल होने के लिए, क्या कहना चाहेंगे सर कि ये जो कार्यक्रम हुआ ये सफल हुआ या नहीं हुआ? देखिए सर, ये तो कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ। 28 जिले से आए हुए अंसारी महापंचायत के तरफ से, मैं सिवान जिला का, मैं इमाम जाकिर अंसारी जिला अध्यक्ष, सभी को हमारे तरफ से, हमारे सिवान जिला के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने अपना कीमती समय देकर इस कार्यक्रम का लाभ उठाए उन्होंने, और मैं सभी को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो और भी एक शख्स जुड़ चुके हैं जो कि अंसारी महापंचायत से ताल्लुक रखते हैं, आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम मोहम्मद गुड्डू अंसारी, हम सिवान से हैं। तो अभी जो अंसारी महापंचायत का आरक्षण बचाओ सम्मेलन जो किया गया, क्या लगता है कि ये सफल हुआ है? बिल्कुल सफल हो जाएगा। जैसे मैं आप लोगों ने देखा कि IMA हॉल में जो है आयोजन रखा गया था, सम्मेलन रखा गया था, उसमें काफ़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए थे। हमको उम्मीद है कि ये जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के तहत जो है आरक्षण का ये जो सिलसिला चल रहा है वो सफल होगा। अंसारी महापंचायत के सिवान जिला प्रभारी जनाब शमसुल्लाह साहब जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर पटना गांधी मैदान के समीप IMA हॉल में जो अंसारी महापंचायत के द्वारा आरक्षण बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया था, सर किस लिए किया गया था? ये अब इसलिए किया गया था कि आरक्षण हमारा तोड़ दिया गया था, कि कोर्ट ने इसको स्वीकार नहीं किया था। बाद में इसमें आयोग बना, तो हमको कुछ डर है कि आयोग में कुछ हेरा फेरी हो, आयोग में जो हमारा जो पहले से मिलता था आरक्षण वो न मिले, ऐसा कुछ वो लोग करने का मंसूबा है। चूँकि पहले BJP में BJP का सपोर्ट था, तो नीतीश कुमार के शासन में कुछ नहीं हुआ, और आज हम जब दूसरे से सरकार बनी नीतीश कुमार की, तो उसमें इस तरह की आयोग बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। इसलिए ये बात से हम लोगों को 100% शक है, इसलिए हम ये आयोजन किए थे ताकि नीतीश कुमार को बताने के लिए कि हम बहुत दलित से भी बदतर हमारा हाल है। अगर ऐसा नहीं है तो आप 70 कमेटी का रिपोर्ट देख लीजिए, और हमें उसमें कोई हेरा फेरी नहीं होना चाहिए, जैसे हमारा पहले मिलता था आरक्षण वैसा ही मिलना चाहिए। और जो कि खुद अंसारी महापंचायत के संयोजक सह संस्थापक जनाब वसीम नैयर साहब भी आए हुए थे, तो उनसे मुलाकात हुई, उनसे जो बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई उनसे? नहीं, उनसे बातचीत हुई, इस पर हम लोगों ने उनका सहयोग किया, उन्होंने कहा कि हमें सपोर्ट चाहिए। हम सारे बिहार के अंसारी बरादरी वसीम नैयर के साथ में हैं, उनका संगठन मजबूत है, सिर्फ वही संगठन जो है आरक्षण को बचा सकता है, बाकी दूसरा कोई संगठन बचा नहीं सकता। लोग दूसरे पार्टियों में हैं, लेकिन वो मुखगर नहीं है अपने नेता के सामने ये बात रखने से, डरते हैं, और हम लोग डरते नहीं हैं, हम लोग करो या मरो का नीति अपनाते हैं, हमारा आरक्षण उसी तरह चाहिए जैसे पहले था। तो हमारे साथ सुधीर कुमार वर्मा जी जुड़ चुके हैं, आइए इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जो अंसारी महापंचायत के यहाँ पर सम्मेलन किया गया था आरक्षण बचाओ सम्मेलन का, तो सर आपने इसमें हिस्सेदारी हासिल की, कैसा लगा सर? सर हम तो अंसारी महापंचायत के जो है से कि एक निजी सदस्य हैं, मतलब कहिए कि कार्यकारिणी सदस्य में आते हैं हम, इसलिए कि हम उस पार्टी से चुनाव लड़े हैं, तो फिर बचता है कहाँ कि हम जैसे कि इसमें कहाँ रोल में नहीं है, पूरे रोल में हम इसका। मेरा सवाल रहेगा कि जैसे कि 4 अक्टूबर को अचानक से तत्कालीन सूचना मिलती है चुनाव को स्थगित कर दिया, जबकि सारा नॉमिनेशन हर एक चीज़ क्लियर हो गया था, लेकिन आरक्षण को लेकर किस लोगों ने याचिका दायर किया था और उसको स्थगित कर दिया गया, इसके बारे में क्या करना चाहेंगे? ये तो सत्ता और विपक्ष की दोनों की राजनीति थी। सत्ता सोचता है कि अति पिछड़ा मेरे साथ हो, तो विपक्ष सोचता है कि मेरे साथ हो, तो ये दोनों की राजनीति। अगर हमारा कहना है कि इस घर में जाना है तो हम रास्ता देखेंगे ना, पहले से देखा हुआ होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि नया रास्ता देखा हुआ है। और जब पहले ही से अति पिछड़ा गठन होता और चुनाव कराते तो आज
कैंसिल तो नहीं होता, ये दोनों की सोची समझी साजिश थी वो वोट को हासिल। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रोकूंगा, जैसे कि दोषी किसको मानते हैं सर, केंद्र सरकार को मानते हैं या राज्य सरकार को मानते हैं? हम तो जितना दोषी सत्ते वाले को मानते हैं उतना दोषी विपक्ष वाले को मानते हैं, दोनों को दोषी। जैसे कि 2007 में खुद नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने नगर निकाय चुनाव में पिछड़े जातियों के लिए, अत्यंत पिछड़े जातियों के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया था। हाँ किए थे, तो अबर का हो गया था उनका, सत्ता तो उन्हीं के हाथ में था ना, अबर का हो गया था। वो तो राजनीति करते हैं ना, उनसे भी गंदा राजनीति कोई कर रहा है। पूरा पूरी दोषी आप नीतीश कुमार को मानते हैं? एकदम मानते हैं। तो अभी जो ये अंसारी महापंचायत का जो ये सम्मेलन हुआ आरक्षण बचाव सम्मेलन, इससे आप क्या सीख लेकर जा रहे हैं? जिस दिन अंसारी महापंचायत जाग गया, पूरी जनता अगर जाग गई, उस दिन जैसे कि न लंटेन होगा न तीर होगा बीच में। सिवान से जनाब शौकत अली अंसारी साहब भी जुड़ चुके हैं, आइए उनसे थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे। इस अंसारी महापंचायत का जो आरक्षण बचाव आयोजन किया गया था सर, बिहार के संपूर्ण बिहार के 28 जिलों से लोग यहाँ पे आए हुए थे इस आरक्षण बचाव आंदोलन में, अभियान में, क्या करना चाहेंगे, कैसी बातचीत हुई सर? देखिए, बिहार आरक्षण बचाओ आंदोलन में हमारे वसीम नैयर साहब ने बहुत बढ़िया, आप लोग भी वहाँ मौजूद थे, सुने भी होंगे, और हम लोग देखिए पूरे इस ये जो आरक्षण ख़त्म किया गया है इसके पूर्व और हम लोग विरोध करते हैं, और जो छचर कमेटी एक तो बनी हुई है, क्योंकि उसमें हमारे समाज से कोई भी व्यक्ति नहीं, हम पसमंदा समाज से, ये नहीं कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज से ही जाए, नहीं, पसमंदा समाज से किसी को भी उसमें नहीं रखा गया है। तो हमारे वसीम नैयर साहब का मांग है सरकार से कि पसमंदा समाज से कोई भी व्यक्ति एक जाए, जो भी वहाँ डिसीजन लिया जाए, हमारे पसमंदा समाज को पता चले कि हम लोग के साथ क्या किया जा रहा है। हो सकता है उसमें से एक दो जाति को वहाँ से निकाला जाए, उसमें हमारा नाम आ जाए, तो फिर हम लोग वंचित रह जाएंगे। जी, जैसे कि 4 साल हो गए हैं सर अंसारी महापंचायत का गठन किए हुए, लेकिन 4 साल पहले इसका गठन नहीं किया गया था, अचानक से माइंड में आता है और अंसारी महापंचायत का गठन क्यों किया जाता है सर? नहीं नहीं देखिए, 4 साल क्योंकि बहुत दिन हम लोगों ने दूसरे का काम किया और हमारे समाज को सिर्फ यूज किया गया है, हर तरीके से सारी पार्टियां ने यूज की है। तो देखिए, इसके पहले हमारे वसीम नैयर साहब ने ये अंसारी महापंचायत का गठन करके अब उन्होंने खुद कदम उठाया है और सोचा है कि अब हम लोग किसी का गुलामी नहीं करेंगे, हम लोग खुद हमारी परसेंटेज के हिसाब से हमें भागीदारी मिलनी चाहिए और इसमें पूरे इंडिया के अंदर जाके अपने कौम को, अपने पसमंदा समाज को हम लोग जगाने का काम करेंगे। अभी नहीं तो आने वाले पीढ़ी में ये पसमंदा समाज बहुत आगे जाएगा। आखिरी में अंसारी महापंचायत के सिवान जिले के जिलाध्यक्ष जनाब जाकिर इमाम साहब, क्या कहना चाहेंगे अंसारियों के लिए सर? देखिए सर, हमारा अंसारी महापंचायत जो है सिर्फ अंसारी बिरादर से मतलब नहीं है, पसमंदा समाज में लमसम 40 बिरादर आते हैं, सारे बिरादर पे ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं पूरे ज़िले में। आप देखेंगे कि 38 जिले से यहाँ आदमी आए हुए थे और ये अंसारी महापंचायत बहुत ही आगे निकल चुका है ना, और आने वाली समय में हम अपना ही प्रत्याशी विधानसभा या लोकसभा में उतारने का हम लोग कोशिश करेंगे पूरे बिहार में, और अपना पसमंदा समाज जो है हम लोग अपना लोगों को बीच जा रहे हैं, अपना लोगों को समझा रहे हैं, और ऐसा नहीं है हमारा समाज अभी जागरूक हुआ है, पहले समाज हमारा बहुत पीछे था, और हम चाहेंगे कि हमारा सत्ता में हिस्सेदारी बराबर का होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे अंसारी महापंचायत का बिहार के तमाम 28 जिलों से लोग आए हुए थे, जिलाध्यक्ष तमाम लोग आए थे, और यहाँ पे एक आरक्षण बचाव सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें तमाम लोग मिलकर आरक्षण बचाव का इसमें बातचीत हुई, मशवरे आप देख रहे हैं। बोलता सिवान न्यूज़, मैं इकबाल कुम कैमरामैन साहब के साथ, धन्यवाद।